नमस्ते आप सब श्रोताओं का। आज आपका 193 दिन का ईश्वरीय वरदान। इस वरदान में जाने से पहले अगर कुछ नए श्रोता आए हैं यहाँ पर सुनने के लिए, उनके लिए ये लिंक है जहाँ पर आप जाकर के योगासन, साथ ही साथ डाइट और साथ ही साथ सोने की कला सब सीख सकते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं आज के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमारे अंदर कुछ परिवर्तन चाहते हैं। और वो परिवर्तन क्या है? औरों के अंदर विशेषताएं देखना कि औरों के अंदर कमियां देखना, क्या सही है आप जानते हैं, लेकिन उसको और विस्तार से समझेंगे जरा आज के वरदान में। परमपिता परमात्मा कहते हैं, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस बाबा। होली हंस, हंस क्या करता है? मोती चुकता है, कंकड़ नहीं। औरों के अंदर गलत देखना कंकड़ है, औरों की कमी कमजोरियों को औरों को बताना कंकड़ है, और कंकड़ चबाएंगे तो क्या होगा? दांत टूटेंगे, मतलब अपना जीवन ही हमारा दुखी हो जाएगा, हम नेगेटिविटी से भर जाएंगे। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम होली हंस जैसे हम मोती चुके, मतलब औरों के अंदर मोती ढूंढें। ये विशेषता परमात्मा हमारे अंदर चाहते हैं कि हम ये बदलें। है इतना आसान नहीं, टाइम लगता है, और हाँ बचपन से आदत पड़ी हुई है, लोगों ने आपको डांटा, लोगों ने आपको कुछ कहा, कुछ गलत कहा, तो आपके अंदर भी होता है कि मैं भी कैसे आगे बढ़ूं। तो ऊपर बढ़ने के लिए हम भी औरों को गिराते हैं, औरों के ऊपर हंसते हैं, औरों की गलतियां दिखाते हैं एक दूसरे को, तो लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए ऊपर बढ़ गए, लेकिन वो अहंकार है, वो झूठा अहंकार है, कुछ देर के लिए होता है। आगे और समझेंगे इसको विस्तार में। बाबा कहते हैं संगम युग पर, ये संगम युग चल रहा है जो कि कलयुग और सतयुग के बीच का युग है, जहाँ पर हमें परिवर्तन होने का समय मिलता है। बस एक जन्म है ये, क्योंकि अगले जन्म में जाएंगे तो भूल जाएंगे, इस ज्ञान को याद नहीं रहेगा, ब्रह्म कुमारीज भी भूल जाएगा हमें कि कहाँ था क्या था, क्योंकि नया जन्म हो जाएगा, सब पिछला वाइप आउट हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये एक जन्म है, बहुत महत्वपूर्ण जन्म है, संभाल कर जीना। तो संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। जब हमें ये ज्ञान मिलता है तो अचानक से हमारे अंदर एक नया जन्म होता है, हमें ऐसे लगता है कि हमारे कुछ परिवर्तन आ गया, हमारे अंदर जो कलाएं छुपी हुई थी वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो धूल होती है, गंदगी होती है, परमात्मा उस धूल गंदगी को मिटाना शुरू करते हैं, परमात्मा हमारे अंदर पवित्रता स्वच्छता लाना शुरू करते हैं, हम जो मैले बन गए थे वो हटना शुरू होता है। तो अंदर जो छुपी हुई कलाएं होती है, किसी के अंदर बोलने की कला होती है, किसी के अंदर गाने की कला होती है, नाचने की कला होती है, गीत बजाने की कला होती है, किसी के अंदर लीडरशिप की कला होती है, किसी के अंदर आपकी लिखने की कला होती है, सब कुछ बाहर आना शुरू होता है अचानक से। तो परमात्मा कहते हैं हर एक के अंदर विशेषता है, उसको देखो। तो किसी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर की कला होती है, परमात्मा कहते हैं अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। तो हर एक के अंदर जब विशेषता है, जिसने ये ज्ञान पाया हुआ है, तो एक दूसरे की विशेषता को देखो, उसको कॉपी करो। कॉपी पेस्ट करना तो बहुत आसान है ना, एग्जाम में भी तो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ क्यों नहीं करते हो, यहाँ पे भी औरों की कॉपी, अच्छी कॉपी करो। नेगेटिविटी को देखोगे तो नेगेटिविटी कॉपी हो जाएगी आपके मन में। तो परमात्मा कहते हैं जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि ये कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि एक परिवार में अगर किसी के अंदर कमजोरी होती है, चार लोग हैं, तीनों के अंदर कमजोरी दिखती है, तो चौथा व्यक्ति भी क्या होता है, उस परिवार का ही माना जाता है, तो चौथे में भी कमजोरी दिखनी शुरू हो जाती है। तो किसको किसकी समझो, ये हमारी कमजोरी है, उनकी नहीं है, वो अलग है, उनका जो भी हो देखा जाएगा, हम तो अच्छे हैं, ये नहीं। परमात्मा कहते हैं ये कमजोरी आपके ऊपर भी लग जाएगी। फिर जिस समय किसी की भी कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, राइट, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। माला में भी 108 की माला होती है, ऊपर मेरी होता है, फूल होता है, फिर नीचे दो मणके होते हैं, मणके मतलब कि दो रुद्राक्ष होते हैं, ओके, एडम ईव हो गए, या आपके ब्रह्मा सरस्वती हो गए, उसके बाद में एडम ईव के बाद में जाकर के 108 प्योरेस्ट सोल्स, 108 प्योरेस्ट सोल्स जो गॉड की क्वालिटीज के समीप थी, वो आत्माएं हो गई। तो एक ही, अगर किसी की भी एक भी मणका अगर अलग हो जाए, उसकी क्वालिटीज ना मिलेंगी दूसरे से, तो क्या माला बनेगी? नहीं। तो परिवार की भी माला बनना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक दूसरे के अंदर क्वालिटीज देखना ज़रूरी है। हर एक के अंदर विशेषता दी है परमात्मा ने। फिर बाबा कहते हैं मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, हम तो थोड़ा बताते कि मेरे अंदर ये कमजोरी, मेरे अंदर ये गलतियाँ, मेरे अंदर वो गलतियाँ, हम तो छुपाते हैं, हम तो हमेशा अपना अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट, ज़्यादातर। परमात्मा कहते हैं फिर दूसरे को क्यों निकालते हो आप, दूसरे की कमजोरियाँ क्यों बोलते हो और दूसरे को वैसा है, वो ऐसी है। हम तो कभी कभी अपने घर वालों की भी कमी कमजोरियाँ औरों को फ़ोन में बताते हैं, बहुत बुरी बात है,
परमात्मा कहते हैं कमजोरी जितना फैलाओगे दूसरे को और मुश्किल होगी वो चेंज करने की, क्योंकि सबकी दृष्टि उनके प्रति आपने चेंज कर दी, सबकी दृष्टि उनके प्रति आपने नेगेटिव कर दी, तो उनके अंदर तो उनको और नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है। तो वो व्यक्ति जो चेंज करने की कोशिश कर रहा था अपने आप को, आपने उनकी कमजोरी फैला करके और कोई दृष्टि और कोई वाइब्रेशन उन तक पहुँचा करके, बददुआएं दिला करके उनके अंदर और कमजोरी पैदा कर दी उनको चेंज ना होने के लिए। सोचिए बहुत गहरी बात है। परमात्मा कहते हैं ऐसी अपनी कमजोरी, जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो, नहीं तो अपने ऊपर ही बोलते हैं ना पैर पे कुल्हाड़ी मारना। घर वाले की कमी कमजोरी और को बताइए, परिवार की कमी कमजोरी और को बताइए, उसको मुश्किल हुआ चेंज होना, अपने ऊपर पैर पे कुल्हाड़ी, क्योंकि असर तो आपको ही पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना, विशेषताएं ग्रहण करना कमजोरी को मिटाना, परिवार की अपनी भी। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान गहराई से सोचिए इसके बारे में, कोई कमेंट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कुछ रह गया हो तो आप भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। ओम शांति।